राहुल गांधी भारत की राजनीति के प्रमुख नेताओं में से एक हैं। पहले सत्तारूढ़ दल में रहते हुए और फिर विपक्ष में रहते हुए उन्होंने आम जनता की आवाज बुलंदी से उठाने का काम किया है। चार बार के चुने हुए इस देश के सांसद हैं, और जब चार बार का चुना हुआ इस देश का सांसद एक विदेशी धरती पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जैसे विश्व विख्यात शैक्षिक संस्थान में अमेरिका और चीन के बीच चलते द्वंद में भारत की क्या अहम भूमिका हो सकती है और भारत के लोकतंत्र की चर्चा करते हैं, तो मुझे लगता है कि वो इस देश का मान बढ़ाते हैं, इस देश का सीना चौड़ा करते हैं गर्व से, और इस देश के लोकतंत्र के, इस देश के मूल्यों के ध्वजवाहक बनते हैं। उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, जिसकी एक बड़ी लेगेसी है, 1206 में स्थापित हुई थी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, और वहां पर पढ़ने वाले लोगों में स्टीफन हॉकिंग और चार्ल्स डार्विन, पंडित नेहरू और राजीव जी जैसे लोग हैं। और यहां पर बताना जरूरी है कि ये राहुल जी का भी अल्मा माटर है, वो कैम्ब्रिज में पढ़े हैं, और वहां पर एज विजिटिंग फेलो एट द कैम्ब्रिज जज बिजनेस स्कूल जब वो वक्तव्य देते हैं कि भारत की एक अहम भूमिका है एक स्ट्राइफ रिडन, एक डाइवर्जेंट दुनिया में अमेरिका और चीन की खींचतान में भारत समन्वय स्थापित कर एक मजबूत स्तंभ बनेगा, तो मुझे लगता है ये देश के लिए गौरव की बात है। ये देश के लिए गौरव की बात है कि विदेशी धरती पर महात्मा गांधी की आवाज को गुंजाने का काम राहुल गांधी ने किया कैम्ब्रिज में। उन्होंने बताया कि हमारे देश के क्या मूल्य हैं जिसपे हमारा संविधान बना है और हमारे राष्ट्र का निर्माण हुआ है। कल पूरे दिन भारतीय जनता पार्टी, उनके बददिमाग प्रवक्ता, उनके विक्षिप्त मंत्री लगातार लगे हुए थे विदेशी धरती पर राहुल गांधी जी ने क्यों बोला, विदेशी धरती पर राहुल गांधी जी ने पेगासस का जिक्र क्यों किया। लेकिन ये सारे मामले धराशायी हो गए क्योंकि अपने राहुल गांधी जी तो लोकतांत्रिक मूल्यों की बात कर रहे थे, इनके आका ने तो ऐसी ऐसी बातें करी है कि सिर शर्म से झुक जाए। 2015 मई शंघाई गए, चीन के सामने कहते हैं देश के लोग का सर शर्म से झुक जाता है कि वो भारत में क्यों पैदा हुए, हमने क्या पाप किया था कि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए। जब ऐसे वक्तव्य हम लोगों ने दिखलाए तो थोड़ा हमलावर कम हुए, लेकिन जब हम लोग टीवी डिबेट कर रहे थे 6 बजे तक यही था, विदेशी धरती पर, पेगासस पर, पेगासस पर भी बेचारे कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि जो जांच समिति सुप्रीम कोर्ट की थी उसने कोर्ट को बताया कि सरकार ने सहयोग ही नहीं किया। कौन से नरकंकाल छुपाना चाहते हैं हम नहीं जानते, अगर पाक था आपका दामन तो आते जांच समिति के सामने बात करते। खैर, तो 6:15 बजे तक यही चल रहा था, विदेशी धरती, पेगासस, जो कि खोखला दावा और खोखले आक्षेप साबित हो रहे थे। एकदम से 6:15-6:30 बजे के बीच में ब्रेकिंग न्यूज हर चैनल पर और हर पोर्टल पे आने लगी, और ये आने लगा कि कैसे राहुल गांधी जी ने तथाकथित भाजपा के कहे अनुसार और कुछ चरण चुंबकों के कहे अनुसार चीन की तारीफ करी और पुलवामा के शहीदों की अवहेलना करी। मैं टीवी डिबेट पर थी, मैंने गहन आपत्ति जताई, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगा समझने में क्योंकि ऑनलाइन आना शुरू हो गया था कि हर चैनल, हर न्यूज ऑर्गेनाइजेशन, प्रिंट के वेब पोर्टल्स सारे एक साथ यही खबर 6:15-6:30 के बीच में चलाने लगे, तो थोड़ा बहुत मीडिया का एक्सपीरियंस है, समझ में आ गया कि व्हाट्सएप आ चुका है, खर्रा निकल चुका है, सबको नतमस्तक होकर चरण वंदन करके अब ये लाइन पकड़नी है।